मान लीजिए आपकी वाइफ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है एंड वो किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती है, और उसी टाइम कोई इंसान आपको किडनैप कर ले, तो आप उस इंसान से कैसे बचेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम सिंपथी ऑफ द डेविल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए होती है जो कि अपने पापा से सवाल पूछ रहा है कि आपका पहला बच्चा जन्म लेते हुए मर गया। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन पैदा होते हुए मर गई थी। तो उसका बेटा पूछता है कि कैसे? उसके पापा जवाब देते, तुम्हारी मम्मी को कुछ कॉम्प्लिकेशन थी इसलिए ऐसा हुआ। अब उसके पापा पूछते हैं तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? तो बच्चा बोलता है अंकल माइक ने मुझे ये सब बताया है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या ये सब बातें तुमने अपनी मम्मी से की है? तो बच्चा बोलता है नहीं। तो उसके पापा बोलते हैं ये बात कभी भी अपनी मम्मी से मत करना, ये हमारा सीक्रेट है। इस आदमी का नाम डेविड है। डेविड अपने बेटे को अपनी मम्मी के पास छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है एंड हमें पता चलता है डेविड की वाइफ प्रेग्नेंट है। रास्ते में डेविड को बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस उसे काम की ना टेंशन लेने को बोलकर अपनी वाइफ का ख्याल रखने को बोलता है। यह सुनकर डेविड खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है जिसका नाम मिया है। तो वो मिया को बताता है कि वो हॉस्पिटल के बाहर ही है। इतने में मिया उसे बोलती है कि उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो डेविड जल्दी आए। इतने में डेविड हॉस्पिटल की पार्किंग में आ गया था जहाँ पर कोई भी पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जो कि दिखने में काफी डरावना लग रहा था। अब पार्किंग अवेलेबल हो गई थी। डेविड जैसे ही कार को आगे बढ़ाता है तभी वही आदमी आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। डेविड उसे बताता है कि ये कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन वो आदमी अपनी गन निकालकर उसे कार चलाने को बोलता है। डेविड उसे पैसे का भी ऑफर देता है लेकिन ये आदमी नहीं मानता। डेविड उससे ये भी बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बच्चे को डिलीवरी देने वाली है, मगर ये आदमी उसकी एक भी बात नहीं मानता। इस वजह से डेविड को गाड़ी चलानी पड़ जाती है। इस करेक्टर का नाम इस मूवी में नहीं बताया गया है तो हम इसका नाम डेविल रख लेते हैं। डेविल गाड़ी में बैठते के साथ डेविड के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है ताकि अगर डेविड उसे चकमा देकर भागता है तो वो डेविड को ढूंढकर जान से मार सकता है। डेविड उससे रिक्वेस्ट करते हुए अपनी वाइफ की पहली डिलीवरी के बारे में बताता है ताकि डेविल की सिंपथी जाग जाए और वो डेविड को छोड़ दे। लेकिन डेविल उससे बोलता है मुझे पता है तुम अपनी फैमिली का पास्ट बताकर मुझे इमोशनल करना चाहते हो, लेकिन मैं इमोशनल होने वालों में से नहीं हूँ। इतने में डेविड के पास मिया का कॉल आता है लेकिन मोबाइल डेविल के पास था और वो फोन नहीं उठाता। ये देखकर डेविड गुस्सा हो जाता है। इतने में डेविल अपनी गन निकालकर उसकी कनपट्टी पे रखकर बोलता है मुझसे शानपट्टी मत करियो वरना मैं तेरा मोर बना दूंगा। अब डेविल की नजर फ्यूल टैंक की सुई पर जाती है, पेट्रोल खत्म होने ही वाला है। तो वो डेविड को बोलता है यहाँ पास में पेट्रोल पंप है, वहां गाड़ी ले लो। वो दोनों पेट्रोल पंप आ गए थे तो डेविड पेट्रोल भरने लग जाता है। इतने में डेविड की नजर पास में खड़ी औरत पर जाती है तो डेविड उसे इशारा करते हुए बोलता है मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। एंड ये सब डेविल नोटिस कर रहा था। डेविल जैसे ही उस औरत के पास जाता है वो औरत अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। अब डेविल लाकर डेविड को बोलता है तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो और मुझे ये भी पता है तुम्हारे घर में कौन कौन है। इतने में कार में पेट्रोल भर गया था और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब डेविल उसे बताता है कि उसे बोस्टन जाना है और वो डेविड से पूछता है क्या वो कभी बोस्टन गया है, जिसके जवाब में डेविड बोलता है कि हाँ मैं एक बार काम के सिलसिले में बोस्टन गया हूँ। और डेविल उससे काम के बारे में पूछता है तो डेविड बताता है उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। हम देखते हैं डेविल को काफी ज्यादा खांसी आ रही थी तो वो खांसी को दूर करने के लिए दारू पी रहा था। इतने में डेविड उससे बोलता है कि मुझे घर जाना है तो डेविल कहता है मुझे बोस्टन छोड़ दो क्योंकि उसकी मॉम को लंग कैंसर है और वो मर रही है इसलिए उसे बोस्टन जाने की जल्दी है। इतने में मिया का दोबारा कॉल आ जाता है जिसे देखकर डेविल भड़क जाता है तो वो डेविड को फोन दे देता है। मिया उससे पूछती है तुम कहाँ पर हो तो डेविड बोलता है कि वो बस हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। इन दोनों की बातें सुनकर डेविल उनकी आवाजों पर हंस रहा था। मिया उससे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने को बोलती है एंड डेविल को उनका मजाक बनाता हुआ देख डेविड उस पर गुस्सा करता है लेकिन डेविल उसे दोबारा चमका देता है। थोड़ा आगे आते ही डेविड देखता है पुलिस वाले ओवरस्पीडिंग गाड़ियां चेक कर रहे हैं तो उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, इस वजह से वो पुलिस वाले डेविड के पीछे पड़ जाते हैं। डेविल उसे गाड़ी साइड लगाने को कहता है। इतने में ऑफिसर गाड़ी से उतरकर आ गया था। वो डेविड से ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस मांगता है लेकिन डेविल उल्टा पुलिस वाले से सवाल जवाब करने लग जाता है। यह बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी।
तो वो पुलिस वाला गुस्से में डेविल को कार से बाहर आने को बोलता है। तब डेविल उस पुलिस वाले को गोली मारकर घायल कर देता है और गाड़ी से उतरकर तब तक गोली मारता है जब तक वो पुलिस ऑफिसर पूरी तरीके से मर नहीं गया। अब डेविल कार में दोबारा आकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और डेविड को गाड़ी चलाने को बोलता है, साथ ही अगर उसने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो वो उसे जान से मार देगा। एंड डेविड को रियलाइज हो गया था ये आदमी पूरी तरीके से पागल है, तो वो हाँ बोलकर गाड़ी चला लेता है। अब डेविल को इस राइड में काफी मजा आ रहा था। डेविड उसे बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो डेविल उसे बोलता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन डेविड को कुछ भी नहीं पता होता। डेविल को रियलाइज हो गया था कि डेविड कार से कूदने वाला है। इतने में डेविड कार से कूद जाता है और डेविल आगे जाकर किसी तरीके से कार को रोक लेता है। इस इंसिडेंट में दोनों को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। अब डेविल कार से बाहर आता है। इतने में डेविड का फोन बज गया था और ये सब डेविड भी देख रहा था। अब डेविल फोन उठाकर बोलता है, तुम्हारा पति एक बेहद घटिया किस्म का आदमी है, वो अपना फोन मुझे देकर चला गया है, एंड आप कौन से रूम नंबर में हो? इतना सुनते ही डेविड दोबारा डेविल के पास आ जाता है। अब डेविल उसे बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरी नाक टूट गई है, जिस कारण वो आज किसी के साथ इंटीमेट नहीं कर पाएगा। तो डेविल उसे काफी ज्यादा मारता है और ऐसा दोबारा ना करने को बोलता है। डेविड उससे मिया के बारे में पूछता है तो डेविल कहता है, वो एकदम ठीक है। डेविल उसे ड्राइव करने को बोलता है, लेकिन डेविड का हाथ टूट गया था। वो किसी तरीके से अपने हाथ को सही करता है और दर्द में गाड़ी चलाने लग जाता है। डेविल बोलता है, मिया काफी कंफ्यूज लग रही थी और वो तुम्हें अपने पास बुला रही थी। तो डेविड उससे बोलता है, मुझे जाने दो। डेविल उससे पूछता है, क्या तुम अपने परिवार के साथ खुश हो? तो डेविड कहता है, हाँ। अब डेविल उसे अपना पास्ट बताता है कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहा, क्योंकि जब वो छोटा था तब से उसकी नाक खराब थी, इसी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे, इसीलिए उसका बचपन काफी ज्यादा दुखी रहा। अब डेविल की नजर एक रेस्टोरेंट पर जाती है तो वो डेविड को वहां पर गाड़ी रोकने को बोलता है। अब दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे। वहां एक आदमी को डेविल पर शक लग रहा था। डेविल डेविड को बताता है, जो माँ से मिलने वाली बात थी वो झूठ थी। दरअसल जहां ये दोनों जा रहे हैं वहां एक आदमी डेविल का इंतजार कर रहा है। अब डेविल उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें कुछ साल पहले बोस्टन में एक बुक्स बेचने वाला था, वहां वो एक लड़की से मिला और उसने उससे शादी कर ली। इतने में वहां वेटर्स आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है और ऑर्डर मांगती है, तो डेविल उन दोनों के लिए कॉफी मंगवाता है। वेटर्स के जाने के बाद डेविल दोबारा अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि बुक्स बेचने वाले ने पैसे की गड़बड़ की थी और उसके स्टोर में एक औरत के साथ एक बच्ची भी थी जिसे एक हिटमैन ने मार दिया और ये सब एक माँ बेटी ने देख लिया था। इतने में वेटर्स उन दोनों के लिए कॉफी ले आती है। अब डेविल खाने का ऑर्डर करता है, साथ ही वो डेविड को भी खाना ऑर्डर करने के लिए बोलता है, क्योंकि उन दोनों को काफी दूर जाना था इसलिए डेविड भी खाना ऑर्डर कर लेता है। फिर डेविल उसे बताता है, मुझे लगता था फैमिली हमें कमजोर बनाती है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है ये बात बिल्कुल झूठ है। तो डेविड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? और तब डेविल काफी खतरनाक मुंह बनाते हुए बोलता है, ये रात का समय बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों की ताकत को बढ़ाता है। तब डेविड उसकी बात को काट देता है। ये देखकर डेविल पूरी तरीके से बौखला जाता है और उसकी ये हरकत रेस्टोरेंट के सभी लोग देख रहे थे। डेविल डेविड को बुरी तरीके से मारकर उसके हाथ को हथकड़ी से बांध देता है और फिर वो पास ही बैठे आदमी को धमकाता है ताकि वो चुप रहे, और फिर वो अंदर जाकर शेफ और वेटरेस के मोबाइल को तेल में फेंक देता है, साथ ही उन्हें जल्दी खाना लाने को बोलता है। फिर वो डेविड के पास आकर गाना गाने लगता है और उसके साथ एक गेम खेलने को बोलता है जिसमें वो दोनों बिल्कुल सच बोलेंगे। अब डेविल एक बार और पूछता है, तुम कौन हो? डेविड कहता है, उसे नहीं पता। इतने में एक औरत अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में आ जाती है। इस चीज से डेविल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोबारा पूछता है, तुम कौन हो? तो डेविड बोलता है, मैं डेविड ही हूँ। डेविल कहता है, मुझे नहीं लगता। इतने में डेविड डेविल के मुंह पर काफी तेजी से मारता है। ये देखकर पास में बैठा हुआ आदमी भागने लगता है, लेकिन डेविल पहले डेविड को मारता है और उस भागते हुए आदमी को जान से मार देता है। अब डेविल उस औरत और उस बेटी को मारने की धमकी दे देता है। यह देखकर डेविड बताता है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इतना सुनते ही डेविल के मुंह पर हंसी आ गई थी। अब उसने डेविड को बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। डेविल उसे जेम्स बोलता है, जो कि डेविड का असली नाम है। इतने में शेफ पीछे के रास्ते से भागने लगता है, लेकिन डेविल उसे भी पकड़कर मार देता है और फिर वो वेटर्स के पास भी आता है,
लेकिन वेटर्स पूरी तरीके से डरी हुई थी, इसलिए वो उसे नहीं मारता। इस बीच डेविड ने मरे हुए आदमी के फोन से पुलिस को कॉल कर दिया था, साथ ही वो उस हथकड़ी से भी आजाद हो चुका था। डेविड ने रेस्टोरेंट के किचन में आग लगा दी थी और वो जैसे ही बाहर आता है डेविड उसे देखकर भागने लगता है, तो डेविड उसके पैर में गोली मार देता है। अब डेविड ने हर जगह पर आग लगाना शुरू कर दिया था। डेविड अब अपनी बची हुई कहानी सुनाता है कि बुक्स वाले को मारने के बाद वो औरत और उसकी बच्ची वहां से भागने वाले ही थे, लेकिन हिटमैन ने उन्हें मार दिया क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। दरअसल जो माँ बेटी को हिटमैन ने मारा था वो डेविल की बेटी और उसकी पत्नी थी, और जो हिटमैन था वो जेम्स यानी कि डेविड था, इसलिए डेविल उससे बदला लेने के लिए आया है। जेम्स ने अपनी पहचान को छुपाकर नई जिंदगी शुरू तो कर ली थी, लेकिन एक कहावत है, हमारे बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और इस मूवी में जेम्स के बुरे कर्म डेविल है। इतने में जेम्स डेविल को मारने लगता है तो डेविल उससे बोलता है कि तुम्हारी बीवी रूम नंबर 803 में है। ये सुनते ही जेम्स रुक जाता है और डेविल उसे पकड़ लेता है। डेविल उसे बताता है कि वो औरतों को नहीं मारता, लेकिन अगर जेम्स ने कुछ भी चलाकी की तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। डेविल उसे कार चलाने को बोलता है और वो कार में बैठकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब जेम्स उसके परिवार को मारने के लिए माफी मांगता है, लेकिन डेविल उसे माफ नहीं करता। जेम्स को इतना तो पता था वो आज मरने वाला है, लेकिन वो डेविल को ये जरूर बोलता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। इतने में एक पुलिस वैन उनके पीछे लग जाती है, तब डेविल जेम्स को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो मरने से पहले जेम्स को एक बात बोलता है, मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखना है। इतने में जेम्स गाड़ी का हैंडल मोड़ देता है, जिसकी वजह से गाड़ी पलटती हुई सड़क किनारे जाकर गिर जाती है। अब दो ऑफिसर गाड़ी के पास आ रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज आती है और वो दोनों ऑफिसर मर जाते हैं, और हम देखते हैं डेविल अभी जिंदा है। लेकिन ये गोली डेविल ने नहीं चलाई थी, बल्कि ये गोली जेम्स ने चलाई थी। अब वो डेविल को मारने ही वाला था, लेकिन वो डेविल को बताता है उसे उसकी पत्नी और बेटी अभी तक याद है, साथ ही उससे काफी ज्यादा दुख है क्योंकि उसने उन दोनों को मारा। आज भी उसे उनका चेहरा दिखाई देता रहता है और वो इस वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा है। इतने बोलते के साथ ही वो डेविल को मार देता है और गन के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स मिटाकर गन को डेविल के पास रख देता है। अब वो अपना फोन चेक करता है जिसमें मिया के काफी सारे वॉइस नोट थे। एक वॉइस नोट चलाकर उसे पता चल गया था कि मिया ने एक लड़की को जन्म दे दिया है। इतने में पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और जेम्स वहां से बिना किसी सबूत को छोड़े हुए बच जाता है, और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे के आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।